दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 32x48 हाउस प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे और बहुत ही खूबसूरत प्लान है। अगर गांव में आप बनवाते हैं तो बेहतरीन सा मॉडल है क्योंकि यहां पर मैंने पोर्च और बारंदा दोनों डिज़ाइन किया है। इस मॉडल को बनाते समय मैंने इसका विशेष ध्यान रखना है कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो और साथ साथ गाँव को देखते हुए, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर बारंदा पहले बनाया जाता है और उसमें पोर्च भी मैंने डिज़ाइन किया है, तो ओवरऑल 32x48 फिट में ये मॉडल मैंने क्रिएट किया है। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। और अगर हम बात करें इसके फ्लोर्स की, तो यहाँ पर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर मैंने डिज़ाइन किया है और थ्री साइड ये क्लोज है। थ्री साइड चारों तरफ से आपको क्लोज्ड मिलेगा और प्रॉपर तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है। अगर इसके हम फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आपको बेस्ट और ब्यूटीफुल देखने को मिलता है। तो इस मॉडल को डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं, अगर आपने अभी तक इस हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें, साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। इस हाउस प्लान पर दोस्तों आपको लगातार अपडेटेड न्यू न्यू मॉडल्स, नए नए डिज़ाइन देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। जब भी आप घर बनवाएं तो एक बार विजिट जरूर करें इस हाउस प्लान पर, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके मन मुताबिक ही घर के डिज़ाइन और फ्रंट एलिवेशन मिलते हैं। तो आज का जो मॉडल है 32x48 फिट में, मैं उसे जूम करके आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू देखने को मिल जाए। इसके रेलिंग का डिज़ाइन, बारंदे का डिज़ाइन, सारा डिटेल आपको मिलता है। तो ग्राउंड फ्लोर पे सबसे पहले मैं ले चलता हूँ। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, ये देखिए कैसा ग्राउंड फ्लोर है। फ्रंट एलिवेशन ये है जहाँ पर मैंने ये बारंदा, अगर साइड से देखें इधर से बारंदा है, इसके बाद आगे इधर पोर्च का डिज़ाइन है इसका। यहाँ से आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर जाएंगे, दोनों तरफ स्लोप है और ये पिलर्स हैं। यहाँ पर लगभग 6 पिलर मैंने डिज़ाइन किया है, 4 बारंदे के लिए, 2 पोर्च के लिए। तो आप जैसे यहाँ से एंट्री करते हैं तो आप अंदर जाते हैं और आपको पोर्च एरिया सबसे पहले मिलता है। तो पोर्च एरिया और बारंदे के एरिया मैंने रेलिंग दी है, ग्रिल दी है, जिससे आपका डिज़ाइन का लुक भी चेंज हो जाए और साथ साथ सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी आपका बेहतरीन रहे। इसके बाद जैसे आप आगे जाते हैं तो आपको लगभग 8 से 9 फिट का एक बारंदा देखने को मिलता है। इसके बाद आपका घर स्टार्ट होता है। तो मेन डोर इसका ये है, साइड में दोनों विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए, और आपके फ्रंट में दो बेडरूम है उसमें भी आपका विंडो दिया है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों सिमिलर अप्रॉक्स है, और जैसा मेन डोर से एंट्री करते हैं तो आपको एक बड़ा सा गैलरी मिलता है। लेफ्ट हैंड में एक बेडरूम, एक राइट हैंड में बेडरूम। लेफ्ट हैंड के लिए डोर और विंडो भी सेपरेट है और राइट हैंड के लिए भी डोर और विंडो सेपरेट है। आगे जाते तो आपको आंगन एरिया मिलता है, जिसे आप लिविंग एरिया भी बोल सकते हैं, और इसके बाद जस्ट पीछे कॉर्नर पर 2 बेडरूम मिलते हैं, बीच में आपको बड़ा सा किचन और इधर आपका स्टेयर्स, इधर लेफ्ट हैंड बाथ। तो ओवरऑल 32x48 में आपको 4 बेडरूम, बारंदा, पोर्च, लेट एंड बाथ और किचन और स्टेयर्स के लिए प्रॉपर तरीके से जगह मिलती है, क्योंकि एरिया काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको एरिया की प्रॉब्लम नहीं होगी, रूम के साइज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं मैक्सिमम जूम करूँ तो आपको और भी चीज़ें क्लियर और सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसा डिज़ाइन हुआ है। फ्रंट एलिवेशन की मैंने बात जो बताई थी आपको, ये देखिए फ्रंट एलिवेशन ये है ग्राउंड फ्लोर का, ये मेन डोर है जहाँ से आप एंट्री करेंगे। अब अगर हम बात करें इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर पर आप जैसे जाते हैं तो मैंने ज़्यादा चीज़ें डिज़ाइन नहीं की, लगभग 3.5 फिट का चारों तरफ बाउंड्री, उसी 3.5 फिट में आपकी रेलिंग जो मैंने डिज़ाइन की है, इसमें कॉम्बिनेशन दिया है ईंटों का और शायद स्टील की रेलिंग या ग्रिल जैसे बोल सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर जो आपका पोर्च का डिज़ाइन है वो उसको भी आगे बढ़ाकर ही मैंने क्रिएट किया है। और ये जो वाइट कलर के आप पॉइंट टाइप के देख रहे हैं, ये सिर्फ डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से हैं और ये भी डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से है। ओवरऑल अगर बात करें तो बेहतरीन सा मॉडल 32x48 फिट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक बढ़िया सा मकान बनकर रेडी हो जाता है। तो ये मॉडल अगर आप कास्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसमें पैसा कितना लगेगा, अगर आप इसे बनवाना चाहते हैं सिमिलर कर, तो उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। उसका नाम भी स्मॉल हाउस प्लान है। वहाँ से आप मटेरियल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ओवरऑल मटेरियल कितना लगेगा वो भी आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो वो आप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, उससे पता लगा सकते हैं। ये मॉडल कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।